सब्सक्राइब कीजिए मिस केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे एवरीवन, दिस इज वंदना फ्रॉम मिस केमिस्ट्री। आई एम हियर अगेन विद द न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज पीसीसी। देखो आपका पीसीसी क्या है, एक रिएजेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका नेट के लिए भी, गेट के लिए भी और जो जैम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीसीसी का मैं आपको वर्क बता दूंगी, हम क्वेश्चंस कर लेंगे इसके और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। देखो पीसीसी बहुत ही ईजी है इसको याद रखना, लेकिन याद तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। देखो हर चीज में प्रैक्टिस हमारी चाहिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें ईजी से ईजी चीज याद नहीं हो सकती और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी हमें याद नहीं हो सकती। तो इसलिए पीसीसी है या कोई भी रिएजेंट है तभी आपको याद रहेगा जब आप इसका एक तो रिवीजन करोगे और मैक्सिमम से इसके क्वेश्चन जो है अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं, गूगल से मिलते हैं, कहीं से भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो उसमें क्या है, हमारे दिमाग में वो बैठ जाती है जिसकी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको लगा सकते हैं, कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दूंगी मैं भी और कुछ आपको क्वेश्चन ढूंढ के कुछ खुद भी करने हैं, समझ में आ गया। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। देखो अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट होता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पीसीसी। देखो सबसे पहले आपको पीसीसी का मतलब पता होना चाहिए, मतलब पीसीसी का फुल फॉर्म है क्या, ठीक है। तो देखो पीसीसी है क्या, आपका पिरिडिनियम पिरिडिनियम क्लोरो क्लोरोक्रोमेट, समझ में आ गया, ये है इसका फुल नेम पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो वो ऐसे कभी नहीं लिख के देता, वो आपको पीसीसी लिख के दे देगा या ज्यादा से ज्यादा इसका स्ट्रक्चर बना के दे देगा, बस ऐसे कुछ लिख के देता है आपको, ठीक है। और इसका वर्क क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके जो रिएजेंट्स है इसमें होता क्या है, इसकी पहचान क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो इसमें लिखते हैं आपका सीआरओ थ्री लेते हैं प्लस पिरिडिनियम, ठीक है, वो लेते हैं आपका HCl। देखो ये क्या है आपका बेस, ये तो है आपका बेस और ये क्या है आपका एसिड। दैट मींस यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन की जाती है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। और भी बताऊंगी कि इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, वो भी हम इसका डिस्कस करेंगे कि एसिडिक मीडियम में की रिएक्शन कराने से इसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है और इस ड्रॉबैक को हम कैसे खत्म कर सकते हैं पीसीसी में, वो हम सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब आपको देखो ऐसे नहीं लिख के देगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिख के देता, इसमें क्या रिएक्शन होते हैं जो इसका फाइनल प्रोडक्ट, मतलब एक दूसरे के साथ जब ये अटैक करते हैं इसका क्या फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो आपको वो लिख देगा, ये नहीं लिख के देगा, तीनों नहीं लिख के देगा, या तो वो पीसीसी लिख के देगा जब ये तीनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं वो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है वो लिख के दे सकता है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। देखो ये है हमारा बेस, ये है हमारा बेस। देखो अब नाइट्रोजन के पास आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड होने के कारण नाइट्रोजन का क्या इफेक्ट लगता है, माइनस आई। इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, अगर आपको नहीं पता होती तो इसीलिए आपके जो नेगेटिव हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड होने के कारण इसका माइनस आई लगता है। अब देखो हमारे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, एसिड भी प्रेजेंट है, तो एसिड पे क्या करेगा, ये अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा एचसीएल प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ माइनस आई था, तो माइनस आई क्या करेगा, इस पे तो अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद यहाँ पे बनता क्या है हमारा, यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक है। और इस पे हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन लगने के बाद नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए। अब नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमारा सोल्यूशन में अभी क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा। किससे स्टेबल करेगा, क्लोरीन नेगेटिव से, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इसमें लेके गया बोन तो ले गया ना सारे के सारे, तो क्लोरीन पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसने क्या कर दिया, इसको स्टेबल कर दिया। अब ये तो दोनों तो हो गए, और क्या प्रेजेंट है हमारे पास, CrO3 प्रेजेंट है अभी वो भी तो पड़ा है ना रिएक्शन करने के लिए। तो वो क्या करेगा, आप देखो CrO3 को कैसे लिख सकते हैं हम, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस टाइप से आप लिख सकते हो ना इसका। अब देखो क्या करेगा, क्लोरीन नेगेटिव इस क्रोमीन पे अटैक करेगा
और ये बॉन्ड क्या करेगा यहाँ पर शिफ्ट, है ना, यहाँ पे करेगा शिफ्ट और इसका बनेगा क्या देखो, यहाँ पे बनेगा इसका नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड आपका, और यहाँ पे आएगा क्रोमियम के साथ आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा आपका क्लोरीन, और ये बन गया आपका पूरा पीसीसी का रिएजेंट जो आपका यूज होगा। आपको इस फॉर्म में भी वो दे सकता है, आपको ये लिख के भी ऐसे पीसीसी के फॉर्म में भी दे सकता है, लिख तो इसलिए आप मैंने दोनों ही करवाती है, दोनों ही आपको याद रखने हैं कि आपको ऐसे भी दे सकता है वो भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है इनको देख के कि ये क्या आ गया, तो इसलिए मैंने करवा दी। इनको ध्यान रखिएगा, ध्यान तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगी और खुद से भी आपको करनी है, तो ये हो गया। अब इसको याद रखना है आपको, ठीक है, और आप देख लेते हैं इसका वर्क क्या है पीसीसी का। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, या अभी नोटबुक पे साथ साथ उतारते जाइए जैसे जैसे मैं करवाती हूँ, तो आप कर लीजिए। हो गया, अभी करते हैं जो पीसीसी का वर्क क्या होता है वो हम कर लेते हैं। देखो जो हमारा पीसीसी है ना वो बेसिकली करता क्या है, वो हमारा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए काम आता है। किसकी? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है पीसीसी, ठीक है। अब बताते हैं आपको इसका सही वर्क विद एग्जांपल्स। सबसे पहले बेस समझना जरूरी है हर चीज का, बेस समझोगे तभी क्वेश्चंस भी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सीधे क्वेश्चन देखोगे तो नहीं होगा, ठीक है, सीधे क्वेश्चन देखने से कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हमारे। अब देखो जो पीसीसी क्या करता है, हमारा ऑक्सीडेशन करता है किसका, एल्कोहल का, ठीक है। इट इज यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, लिखवा देती हूँ आप नोट्स में, लिखते जाइए अपने। इट इज यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए इसको यूज किया जाता है पीसीसी को। पहली बात हो गई हमारी, अब है हमारी दूसरी बात। इसमें क्या है, अगर देखो आपको प्राइमरी एल्कोहल दिया है, अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल है तो जब पीसीसी इसके ऊपर अटैक करता है, जब पीसीसी की इसमें रिएक्शन होती है, प्राइमरी एल्कोहल देखना आता है, नहीं देखना तो वो हम सीख लेंगे अभी। प्राइमरी एल्कोहल दिया होगा पीसीसी में तो किसमें चेंज करेगा, वो चेंज करेगा इसको एल्डिहाइड में, किसमें चेंज करेगा इसको एल्डिहाइड में। तीसरी बात, अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल दिया हो देन पीसीसी क्या करेगा, उसको चेंज करेगा किसमें, कीटोन में, राइट। पहली बार क्या मैंने बोला कि प्राइमरी एल्कोहल अगर आपको दिया हो तो किसमें चेंज करता है पीसीसी, उसको एल्डिहाइड में। अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल दिया हो तो किसमें चेंज करेगा, कीटोन में। समझ में आ गया, ये है आपका सेकेंड पॉइंट, ये है आपका थर्ड पॉइंट। साथ साथ नोट्स में उतारते जाइए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बेस समझना जरूरी है हर चीज का। अगर बेस समझ लोगे ना तो आप इजिली क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं करवा दूंगी आपको क्वेश्चन, बाद में फिर भूल गए पीसीसी काम क्या करता है। जब तक अपने नोट्स में नहीं लिखोगे, अपने हाथ से नहीं लिखोगे वो चीज, तो अपने माइंड में भी नहीं रहेगी, ठीक है। सुनकर कभी भी चीज एक दिन याद रहती है, दो दिन याद रहती है, अगर हम किसी कॉपी पे लिख ले, कहीं पे भी लिख ले, तो माइंड में सेटअप हो ही जाती है हमारी, ठीक है। तो उसको दो तीन बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। तो ये हो गया, प्राइमरी एल्कोहल चेंज करता है इसको, प्राइमरी एल्कोहल चेंज करेगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल चेंज करेगा हमारा कीटोन में। अब देखो मैंने आपको बोला था कि एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है पीसीसी की, दैट मीन्स ये एसिडिक मीडियम में आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने के कारण इसमें साइड रिएक्शन है हमारी होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब साइड कैटलाइज्ड जो रिएक्शन है, सो साइड रिएक्शन है इसमें होने के चांसेस हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पीसीसी का, पीसीसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि साइड रिएक्शंस भी होने लग जाती है। जो हमारा हमने मेन प्रोडक्ट चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन साइड में भी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम पीसीसी के साथ क्या यूज करते हैं, तो रिएक्शन में क्या यूज करने लग गए पीसीसी के साथ, देखो आप ऐसे लिख के देगा पीसीसी जहां लिखा है ना, तो आपको वहां पे बफर सोल्यूशन जरूर मिलेगा, सोडियम एसिटेट का बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन मिलता है जिसके कारण हमारे जो साइड रिएक्शन होती थी वो नहीं होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था इसको बफर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो इसलिए पीसीसी के साथ आपको बफर मिल जाता है,
तो इस बात का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, बफर मिल सकता है। बफर का कोई और काम नहीं, सिर्फ वो क्या करेगा, आपके साइड रिएक्शंस को रोक लेता है, साइड रिएक्शंस नहीं होने देता आपके, ठीक है। तो बस इसका ये काम होता है। ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था पीसीसी का, बफर ने इसको खत्म कर दिया। बफर अगर आपको पीसीसी के साथ मिल गया, घबराना नहीं है, कोई काम नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, आपके साइड रिएक्शंस को रोक लेता है और हमारा जो मेन प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये थी हमारी इसकी समरी जो भी मैंने आपको बताना था। ये हमारा हो गया सारा पीसीसी, यहीं पे भी खत्म, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ इसके जो क्वेश्चंस है यहाँ पे अप्लाई करना है, जो हमने कंसेप्ट अभी सीखा है हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस देखते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है ये सॉल्व करते हैं हम। तो देखो इसमें क्या है हमारा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल होने के कारण जब इसकी पीसीसी पे रिएक्शन, ये पीसीसी जब इस पे रिएक्शन करता है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो आपको जब प्राइमरी अल्कोहल अल्कोहल दिया हो तो किसमें चेंज करता है आपका, एल्डिहाइड में। किसमें चेंज करेगा आपका, एल्डिहाइड में। अगर सेकेंडरी अल्कोहल दिया हो तो किसमें चेंज करता है आपका, कीटोन में। यही था ना, यही था। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको क्या कर देगा वो, एल्डिहाइड में चेंज करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे आएगा बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट था इसको किसमें चेंज कर दिया इसने, एल्डिहाइड में, वैसे का बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये क्या है हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या है हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चेंज होता है हमारा, कीटोन में। किसमें चेंज होगा हमारा, कीटोन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ये होगा हमारा कीटोन, ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। ये है जो हमारा, ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसमें सिंपल है, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, वैसे की वैसे बाकी की स्ट्रक्चर सेम वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच थ्री, और यहाँ पे कीटोन में चेंज हो गया। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये करते हैं हम, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे दो इक्विवेलेंट पीसीसी लिया है। तो जो फर्स्ट पीसीसी है वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल होने के कारण किसमें चेंज हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका एच, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे आ गया, ठीक है जी। अब देखो पीसीसी हमें पता है एसिडिक मीडियम में होता है, मतलब एच पॉजिटिव, एचसीएल था ना इसमें, तो एसिडिक मीडियम होने के कारण यहाँ पे एच पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसपे लग जाएगा ये हाइड्रोजन आकर, ठीक है। इसपे लगने के कारण तो इसपे क्या बनेगा, अब देखो डबल बॉन्ड हो, एच पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ही, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ये चीज आ गया, ठीक है, ऐसे बन गया। अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा इस पे, ये चीज आ गया। अब ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पे क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा ना, तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है हमारा इस पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद जो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे देखो जब इसने इस पे अटैक किया, मैंने क्या बोला, जब इसने न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, तो उसपे क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, आ गया डेफिशिएंसी 1 2 3 4, ठीक है। तो डेफिशिएंसी आने के कारण इस पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखो ये दो तरह तरीके से हो सकता है, पीसीसी था, दो इक्विवेलेंट लिया, एक इक्विवेलेंट तो यूज हो गया। अब एक और पड़ा है हमारा पीसीसी, तो पीसीसी क्या करेगा, जब इस पे अटैक करेगा, मतलब जब पीसीसी आया, तो ये क्या हमारा, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चेंज होगा, हो जाएगा आपका कीटोन में, ठीक है। तो क्या बनेगा इस पे,
क्योंकि इस टाइप से है ना पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबल करना है तो सिंपल ये सीधा तरीका है जी, दो तरीके हैं इसके करने के। इस सीधे वाला तरीका है तो ये क्या करेगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे मूव होगा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे देखे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल हो गया और इस पे क्या आ गया आपका, यही कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, तो ये आपका बन गया रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। लेकिन ये हमारा एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है। एक्चुअल मैकेनिज्म अब मैं आपको कराऊंगी, वो है आपका एक्चुअल मैकेनिज्म। आप ऐसे भी निकाल सकते हो लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म ये नहीं है, ये आपका एक्चुअल मैकेनिज्म जो मैं अभी करवा रही हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इस पे जब पीसीसी था हमारा, ठीक है, पहले पीसीसी नहीं करवाते, चलो यहाँ पे आपका एच है ना एच, तो एच क्या करेगा इसमें यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण पॉजिटिव चार्ज को सबसे पहले स्टेबल कर देते हैं, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका बॉन्ड, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, होने के कारण फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पीसीसी था, पीसीसी ने क्या किया इसको, ये क्या आपका दैट इज कैल्क्रियल कोल, इसको चेंज करेंगे कीटोन में, कीटोन में चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैसे होगी, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वो ये बॉन्ड हो गया यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, कैसे आएगा, ऐसे यहाँ पे आप बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका आ गया बॉन्ड, यहाँ पे आपका बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये वापस आया बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये आ गया बॉन्ड आपका यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आपका रिजल्ट दोनों सेम बन रहे हैं ना, दोनों सेम मिला लो दोनों तरीके से, लेकिन ये वाला एक्चुअल तरीका है आपका, ये वाला एक्चुअल मैकेनिज्म है इसका। वो जब हम एग्जाम में करते हैं हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को समझाना हो तो ऐसे नहीं करवाना, ऐसे चलना है आपको हमेशा। ठीक है, यहाँ पर आपका बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पे हमारा एच निकला था यहाँ से, तो एच इसको स्टेबल कर देगा नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट देखो, वहां से निकालो यहाँ से निकालो, दोनों का रिजल्ट बनता है हमारा सेम। समझ में आ गया, और क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों करते हैं हम वन बाय वन, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ये। ठीक है, तो साथ साथ में करते जाइए। देखो आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पे एल्डिहाइड में। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया, हो गया ऑक्सीजन, हो गया, समझ में आ गई। अब देखो पीसीसी है तो इसे करके ये भी दो इक्विवेलेंट है, ये भी आपका क्या है, दो इक्विवेलेंट। जब इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका, जब एल्डिहाइड आया, जब इसने क्या किया, मैंने सेम टू सेम वही प्रोसीजर करवाना है। एसिडिक मीडियम में जब होगा तो ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन पर आ जाएगा एच पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन आने के कारण, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा ऑक्सीजन, एच ऑक्सीजन पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। अब ये तो आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल और ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल पे, जब ये इस पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड हो गया आपका शिफ्ट। शिफ्ट होने के कारण क्या हो गया आपका, इधर ठीक है, इस पे क्या हो गया आपका, आ गया OH है ना, ये बन गया ये है ना। तो जब इसने इस पे अटैक किया तो इस पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसमें क्या था हमारा, पीसीसी दोबारा था, एक और पीसीसी था, एक पीसीसी हमने यूज कर लिया। तो जब ये क्या है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, इसको क्या चेंज करेगा ये कीटोन में, कीटोन में चेंज होने के बाद यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्डो, यहाँ पे है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन था हमारा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबल, स्टेबल होने के कारण जो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो आएगा आपका ये, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर, इधर आपका डबल बॉन्ड, ये आ गया आपका
करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसको रब कर देती हूँ मैं। तो देखो क्या होगा, ये वाला सेम ही है नीचे वाला, खुद से ट्राई करो ये, ठीक है। वही मैं करवाती हूँ, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करते रहिए, बिल्कुल सेम है। देखो आपको ये दिया हुआ है, ऊपर करवा रही हूँ, ठीक है। तो इक्विवेलेंट दिया है आपको पीसीसी, जब आपको दो इक्विवेलेंट पीसीसी दिया है तो क्या होगा, ये जो आपको प्राइमरी कोल है किसमें चेंज होगा, कीटोन में। प्राइमरी कोल है किसमें चेंज होगा आपका, एल्डिहाइड में, सॉरी ठीक है। इस टाइप से है आपका, इधर बॉन्ड ये आ गया आपका ऑक्सीजन, है ना, इस टाइप से आएगा। मतलब इस टाइप से लिख दिया मैंने, नीचे करके लिख दिया, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा ये बॉन्ड, इधर ये आ गया, ठीक है, इस टाइप से आएगा। अब रिएक्शन एच पॉजिटिव में हो रही है, मतलब एसिडिक की एसिडिक कंडीशन में हो रही है, तो क्या करेगा यहाँ पे रिएक्शन करेगा। होने के बाद तो यहीं पे कर रही हूँ मैं सीधा, एच पॉजिटिव चार्ज आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा देखो, ये चीज बन गया, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते थे, मैंने क्यों करवाया, इसका रीजन भी मैं देती हूँ, ठीक है। ये चीज हो गया, अभी ये चीज आ गया, ठीक है। जब इसने इस पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर से भी स्टेबल हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ से भी स्टेबल हो सकता है, 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन के ऊपर है ना, तो अगर ये इसको दे जाए तो डबल बॉन्ड इधर, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। अगर ये इसको दे जाए तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा आपका। इस कार्बन की तो वैलेंस दोनों टाइप से कंप्लीट हो रही है, तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, तो वही ही हमारे यहाँ पे होता है नेगेटिव होने के चांसेस। तो देखो हमारा क्या होगा, यहां से जब दोगे ना आप नीचे से, तो क्या होगा देखो, ऊपर से भी बन सकता है, नीचे भी से भी बन सकता है, लेकिन जो हमारा मेजर है वो कौन सा बनेगा, ये वाला नीचे वाला बनेगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है आपका, मोर सब्स्टिट्यूटेड होने के कारण ये, ठीक है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने के कारण ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसलिए जो नीचे से हमारा है हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव होने के चांस बहुत इजी है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको देखना था, डिसाइड करना था, तो आपने सब्स्टिट्यूटेड देख लिया, सब्स्टिट्यूटेड हो तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड स्टेबल। समझ में आ गया, यहाँ पे पीसीसी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवा दी है, अच्छे से देख लेना पीसीसी अपने अकॉर्डिंग, आप क्वेश्चन खुद भी करके देखिए, ठीक है। खुद करके देखेंगे तो आपको कंसेप्ट जो मैंने बताया है वहां पे लगा के देखिए, लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।